दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज़ पर। और आज कालका देवी मंदिर के पास में जो जोल से रोड राइया की तरफ जाता है, ब्याड़ की तरफ जाता है, वहां पर एक ट्रक जो है वो धस गया है और इस वजह से पूरा रोड आज बंद है। तो जो भी लोग आज इस रास्ते पे जाने का प्रयास कर रहे हैं वो अपना रास्ता बदल कर आएँ, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रक, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लगभग 15 टन का ट्रक लोडेड है और रात को ये ट्रक इस रास्ते पर किसी ने गलत दिशा देते हुए भेज दिया, जिसकी वजह से ये ट्रक यहाँ पर फंस गया है। अभी क्रेन भी इसको नहीं निकाल पा रही है और काफ़ी प्रयास के बाद भी क्रेन द्वारा ये ट्रक अभी तक नहीं निकला है। अभी तक क्या होगा ये तो अभी देखने वाली बात है, लेकिन जितने भी लोग हैं यहाँ से जा रहे हैं सब अभी पैदल गाड़ियाँ खड़ी करके यहाँ से, जैसे आप देख रहे हैं, ये इस तरफ भी गाड़ियाँ भी खड़ी हो गई हैं। जो लोग गलोड़ की तरफ से या ब्याड़ की तरफ से आ रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पर अभी रुके हुए हैं और इसी तरह से आगे भी जो लोग ऊपर की तरफ से, जोल की तरफ से आ रहे हैं, सभी लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हैं। तो जो भी लोग इस रास्ते का प्रयोग करना चाहते हैं या आने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे निवेदन है कि वे इस रास्ते पर ना आएँ। अभी फ़िलहाल ये रास्ता बंद है गाड़ियों के लिए और क्योंकि यहाँ ट्रक जो है वो फंसा हुआ है, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, और अभी इसके निकलने की कोई भी संभावना दिखाई दे नहीं रही है। हालांकि सभी लोग यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह इसको निकाला जाए, किंतु क्रेन से अभी तक ये नहीं निकल पाया है क्योंकि गाड़ी बहुत लोडेड है और ज़मीन में पूरे टायर धस गए हैं। तो फिलहाल ये जो बात है, ये कालका देवी मंदिर जोल के पास में है, ये ट्रक बिलासपुर का बताया जा रहा है और इन्होंने गलोड़ जाना था, लेकिन रात को किसी ने रास्ता गलत बताते हुए इस ट्रक को इस दिशा में जाने के लिए निर्देश कर दिया, जिसकी वजह से रात को ये ट्रक जो है वो यहाँ फंस गया है। फिलहाल ये रास्ता बंद है और अभी और प्रयास किए जा रहे हैं किस तरह से इसे निकाला जाए, ये अभी देखने वाली बात है। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपको दिखाते हैं। ले यार चाबी ले, बतानी पड़ेगी शायद, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। लिया हो तो अभी ये रास्ता फिलहाल बंद है और क्रेन से भी अभी ये ट्रक नहीं निकल पाया है। अभी बने रहिए, प्रयास किया जा रहा है।